नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार मारोटिया, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। और बच्चों, हम बात कर रहे हैं आज आधुनिक भारत के इतिहास और 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन के उपरांत की घटनाओं का, जहां पिछले अध्याय में मैंने आपको गोलमेज सम्मेलन के बारे में बताया था कि तीन गोलमेज सम्मेलन हुए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 तक, और तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था नवंबर 1932 से दिसंबर 1932 तक। भारत के वायसराय लॉर्ड एडविन और तत्कालीन इंग्लैंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री, ब्रिटेन प्रधानमंत्री जो थे, माफ करिएगा, मैकडोनल्ड के बीच में ये हुआ। पहले और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, जो सबसे बड़ा उस समय का राजनीतिक संगठन था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि गांधी जी गए थे, और जाने के बाद में जो स्थितियां बनी वो भारत में एक राजनीतिक घटनाक्रम के परिवर्तन बिंदुओं के रूप में सामने आती है। ये वह समय है जब 1930 में आर्थिक मंदी से यूरोप जूझ रहा है, यूरोप नहीं बल्कि विश्व जूझ रहा है। ये वह समय है जब विश्व में या यूरोप में पूंजीवादी सत्ता के अलावा साम्यवादी सत्ता स्थापित हो रही है, और दो अधिनायकवाद हिटलर और मुसोलिनी के रूप में स्थापित हो चुके हैं। मंजूरिया पर आक्रमण हो चुका है, विजय प्राप्त हो चुकी है। ये वह समय है जब ब्रिटेन अपनी तुष्टिकरण की नीति के अनुसार चल रहा है। ठीक इसी समय में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित होता है, और इस गोलमेज सम्मेलन में जिस तरीके से हम बात शुरू सोचना चाह रहे थे कि गांधी जी जिस आशा को लेकर गए थे कि बहुत सुलझी और बहुत अच्छी स्थिति बात होगी, ब्रिटेन भारत से कभी भी प्रथम विश्व के अलावा राजनीतिक और मानसिक दबाव में नहीं आया। प्रथम विश्व में सफलता के बाद उसने अपनी नीतियों को परिवर्तित कर दिया, भारत को एक तरीके से जो कहना चाहिए लॉलीपॉप सिस्टम से उसने काम चलना शुरू किया। अब उसका ध्यान अधिनायकवाद और साम्यवाद के ऊपर था कि साम्यवाद अधिनायकवाद एक दूसरे को काटते रहें और वह सकुशल रह जाए, यही उसकी तुष्टिकरण की नीति का भाग था। यहाँ पर हम देखते हैं कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो मैकडोनल्ड थे, उन्होंने भारत में भी दो मुस्लिम प्रांतों की बनाने की शपथ की, एक उत्तर पश्चिम मुस्लिम प्रांत बनाया और एक सिंध का गठन किया। इस गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात कर रहा हूँ, एक सलाहकार भारतीय सलाहकार परिषद की स्थापना करने की बात की। तीन विशेष समितियाँ, मानवाधिकार समिति, वित्त समिति और राज्यों में समिति के गठन की संबंधित जो है समितियाँ, उसका निर्माण किया गया। भारतीयों में सहमति नहीं हो सकी तो सर्वसम्मत सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की गई। यानी दिसंबर 1931 को जब गांधी जी भारत लौट कर आए तो ये निर्णय किया गया कि जो सविनय आंदोलन दिसंबर 1930 को छोड़ा गया था उसको वापस शुरू किया जाए। इतनी बड़ी गांधी जी ने स्वयं को अपने आप को गलती महसूस की। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पश्चात सरकार का रुख तेज हुआ। गांधी जी से लिखवाया गया कि आप पुनः कोई आंदोलन नहीं करेंगे। राष्ट्रीय आंदोलन में ग्रामीण स्तरों पर उसका प्रचार प्रसार नहीं किया गया। ग्रामीणों को ब्रिटिश सरकार की सेवा, कृषि संबंधी कार्यों में लगाया जाएगा, इस प्रकार का किया गया। कांग्रेस से किसी प्रकार का ब्रिटेन हुकूमत सद्भावना नहीं रखेगी, इसके स्थान पर उन लोगों का सहयोग समर्थन अति आवश्यक है जो कांग्रेस के विरुद्ध हुकूमत का साथ दे रहे हैं। उदाहरणतः सरकारी सेवा और राजभक्त या राजदेशी या सामंत हुए कुलीन वर्ग लोग। सरकार ने सीधी सीधी कार्रवाई करनी शुरू कर दी। जनवरी 1932 को गांधी जी को गिरफ्तार किया, कई बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया, अधिकारों को समाप्त कर दिया गया, संपत्तियां कुर करना शुरू कर दी, कांग्रेस संगठनों को प्रतिबंधित कर दिया गया, महिलाओं पर बहुत भारी दमनकारी करे, बच्चों पर बहुत दमनकारी शीशी करी और जेलखाने भर दिए गए। मार्च 1931 से दिसंबर 1931 तक अस्थायी शांति का काल माना जाता है, और उसके बाद में गया। यहाँ पर हम देखते हैं कि जनता की प्रतिक्रिया बहुत तेजी से होती है। विरोध के प्रदर्शनों के तरीकों में बदलाव आता है। शराब की दुकानों पर धरने होते हैं, विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाती है, कई ऐसे कार्य थे। गांधी जी अन्य राष्ट्रवादी नेता जन प्रतिक्रिया को संगठित करने में पर्याप्त समय नहीं दे सके जितने भी बड़े नेता थे। जनता असंगठित और अपरिपक्व रही।
अप्रैल 1934 में गांधी जी सविनय आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लेते हैं। गांधी जी के निर्णय से जनता तथा राजनीतिक कार्यकर्ताओं में थोड़ी सी निराशा जरूर होती है और एक बार पुनः 1922 का जो असहयोग आंदोलन का काल जो वापस लिया गया था चलता है। इसी समय में एक सांप्रदायिक प्रचंड आता है, पुनः समझौता होता है, सांप्रदायिक निर्णय के प्रावधान पड़े जाते हैं और कांग्रेस का उस पर अपना पक्ष रखा जाता है। जब कांग्रेस उस पर अपना पक्ष रखती है अल्पसंख्यकों के साथ में, तो गांधी जी की अपनी प्रक्रिया एक दूसरी रहती है और 24 सितंबर 1932 को डॉक्टर अंबेडकर तथा हिंदू नेताओं के प्रयत्नों से गांधी और दलितों के बीच में एक समझौता होता है जिसे पुनः समझौता कहा गया। गांधी जी की प्रक्रिया दलित वर्गों को पृथक निर्णय देने के प्रस्ताव पर तीखी प्रतिक्रिया थी कि उनको ये माना गया था कि दलित को हिंदू से अलग नहीं है। लेकिन चूँकि हम बात कर रहे हैं 1909 के मॉडलों मिटर सुधारों से देखा जाए तो पहले क्रिश्चियंस को, फिर सिख को, फिर हिंदुओं को, फिर मुस्लिम्स को और अब हिंदुओं में भी दलित को अलग करने की जो नीति अंग्रेजों ने प्रारंभ की उसका ये एक बहुत बड़ा सामने को आता है कि स्थितियाँ ऐसी हो जाती है। तो हम अब आगे सांप्रदायिक निर्णय पूर्ण समझौते पढ़ेंगे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन गांधी जी के जाने के बाद भी असफल हो गया था और गांधी इरविन का जो समझौता था जिस पर हमने पहले बात की थी और भगत सिंह को लेकर जो प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई थी, उन सब में देखा गया कि ब्रिटेन की नीति अपने दृष्टिकोण सुरक्षितता और वह इसी प्रकार से कार्य करना चाहते थे। धन्यवाद।